कौन हो जाएगा दुनिया से, जो नहीं आती है सब कमाई कौन कर रख लो। सर ओके थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक बड़ा नाम जिनको मैं कॉलेज के वक्त से जानता हूं, क्योंकि उनके भाई और कजन्स मेरे साथ पढ़ते थे। मैं आज सारे हाउस के सामने और जहां जहां तक बिलखसूस मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा, सोशल मीडिया पे तो मैं ये कह चुका हूं सर कि गुज़िश्ता इजलास में एक गलतफहमी की बुनियाद पर कुछ अल्फाजों का मुझसे उनसे तबादला हुआ। चेयरमैन साहब, तमाम मेंबरान, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और आज सुबह की फ्लाइट लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूं कि इंसान खता का पुतला है, गलती करता है, लेकिन खुदा तौफीक दे कि गलती को मान लिया जाए और उसका एहसास हो। मैं यकीन करें चेयरमैन साहब, बहुत शर्मिंदा हूं कि जो बिला वजह की तकरार मेरे और उनके दरमियान हुई, शायद इस पूरे टेन्योर में पार्लियामेंट तो क्या, पार्लियामेंट के बाहर भी कोई ऐसी या किसी टॉक शो में भी आज तक मुझसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने भाई मुशाहिदुल्लाह से माफी मांगता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं खसूसी तौर पर कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं उनकी फैमिली से भी माफी का तलबगार हूं। दुनिया फानी है, सब ने यहां से चले जाना है। मुशाहिदुल्लाह एक ऐसी मिसाल थे कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ सारी जिंदगी गुजारी और वो एक पक्के और सच्चे साथी उनके रहे। इसी हाउस में एक तस्वीर में मैं, नवाज शरीफ साहब और मुशाहिदुल्लाह इकट्ठे हैं। मुझे नहीं मालूम वो सोशल मीडिया पर कैसे चली, लेकिन उस दिन भी बात हो रही थी और मियां साहब ने खुद कहा कि दोनों पिंडी वाल हैं। तो मैं सर बस आजाना तौर पर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे भाई के दर्जात को बंद से बुलंद फरमाए और उनकी जो अहले खाना हैं, अहलो अयाल हैं, उनको दुनियावी तौर पर सब्र जमील अता फरमाए और उनकी इज्जत में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया। बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो एक मेरे पर्सनल एनालिसिस है वो आप देखें, आप लीबिया से शुरू हो जाए, शाम, लबनान, फलस्तीन, इराक, अफगानिस्तान, इसलिए हुआ है कि उनका वुहान से बिजनेस बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट में ही वहाँ पे हो गया था। इसी तरह से बांग्लादेश देखें, उनके बांग्लादेश देखें, ये फिर मैं उन्हें वही कहूँगा जो मैं वही कहूँगा जो उस दिन कहा था, तो फिर इनको चले मुशाह साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें जी, उन्होंने कोई बात नहीं की, आप उन्होंने आप तशरीफ हैं सेनेटर साहब, सर प्लीज सेनेटर साहब, मेरी गुजारिश है आप तशरीफ, कोई जातियात नहीं हो रही जी, बस उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तशरीफ रखें, तशरीफ रखें यार, धमकियां ना दो जी मुशाह साहब, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें। मैंने परसों भी आपके माई कौन है आप बताएं, मैंने परसों भी इनका नाम नहीं लिया था, बिल्कुल ठीक है, तशरीफ सेनेटर साहब तशरीफ ले लिया था तो ले लिया साहब, मैं क्या करूं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें जी, तशरीफ रखें, इनको मालूम है बुरी आदत का, इनको मालूम है मेरी बुरी आदत का, आज देखा नहीं सहा है तुमने, तशरीफ रखें प्लीज सेनेटर साहब, प्लीज तशरीफ रखें, तुम तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें, वैसे तशरीफ रखें सेनेटर साहब, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज, 260 आदमियों के कातिल हो तुम, बस कल अदालत ने कह दिया, छोड़ो इस बात को, 260 आदमियों के कातिल हो तुम, इनको करेंगे ये क्या मतलब के, तशरीफ रखें प्लीज, ये पॉलिसी सेनेटर साहब, तशरीफ रखें,
हाँ तो लेबर लीडर तशरीफ रखे सेनेटर साहब, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें जी उनको। जी मुसा साहब अपनी क्वेश्चन नहीं जी, मैंने परसों भी कुछ कहा था। तशरीफ रखे मुशाहिद साहब, आपका माइक ऑन है, आप मेरे भाई का वर्करी था ना, नारे ही मारता था ना, छोड़ गार्डन कॉलेज, गार्डन कॉलेज जी प्लीज। तो लीडर हम तो बनते ही नहीं है। सेनेटर साहब प्लीज तशरीफ रखे। सेनेटर अतीक शेख साहब मेरी गुजारिश है तशरीफ रखे, तशरीफ रखे प्लीज। तो हूँ ना प्लीज तशरीफ। ये अब मैंने इनका नहीं करेगा साथियों, तशरीफ रखे, वो आपसे नहीं कर रहे हैं बात जी, क्वेश्चन करने दे प्लीज। मैंने मैंने परसों नहीं करेंगे तशरीफ क्वेश्चन। चेयरमैन मैंने परसों इनका नाम लेके इन्हें कुछ नहीं कहा था। सर साहब आप क्वेश्चन करें जी, तशरीफ रखे। मैंने नमूना जरूर कहा था लेकिन ले लें सप्लीमेंट्री बताएं जी, बैठ जाएं जी, बैठ जाएं। नहीं कहा था।